दोस्तों, सेक्स के बारे में वैसे ही हमारे देश में बहुत कम बात होती है, लेकिन रिसर्च हमें कई बार बता चुकी है कि हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी चीज है। सेक्स के फायदे और नुकसान के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान के शरीर में क्या चेंजेस आते होंगे जिसने कभी सेक्स नहीं किया, और क्या इससे कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं? क्यों है हमारे जीवन के लिए सेक्स जरूरी, और इसके बिना हमारी बॉडीज में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो हमारे शरीर के बारे में जो पहली बात समझने लायक है वो ये है कि इंसान चाहे जितना भी विकसित हो जाए, हम प्रकृति की नजर में अभी भी जानवर ही हैं। जानवरों की दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें जरूरी होती हैं, खाना और सेक्स। आप माने या ना माने, हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं इन्हीं दो वजहों से करते हैं। आप नौकरी इसलिए करते हैं कि आपको खाना मिले, आपका प्रमोशन इसलिए चाहिए ताकि आप सोशल लैडर में ऊपर चढ़ जाएं। मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रायड, जिन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, उनके मुताबिक हमारी जिंदगी की सारी मोटिवेशन इन दो एनिमल नीड से ही आती है। यानी सेक्स एक तरह से आपके डीएनए में, क्योंकि सिर्फ इसी चीज से आप अपना डीएनए आगे फैला सकते हैं। मर्दों के रेगुलर सेक्स और फिर कभी ना सेक्स करने से उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है, जिसका हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को प्रभावित करता है, और हमारे हर अंग की अपनी जरूरत है। अगर इन जरूरतों को हम पूरा ना करें तो बॉडी के बाकी पार्ट्स भी सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जो एक केमिकल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट कर देता है, जिसके चलते आपकी स्किन पर भी बुरा असर होता है और आपको एक्नी जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। औरतों में सेक्स की कमी से उनकी पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाती है, जो ब्लैडर इरिटेशन और लीकेजेस जैसी समस्याओं को जन्म देती है। मर्दों की तरह औरतों में भी सेक्स से केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। औरतों में सेक्स की कमी से उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में ड्राइनेस और इरिटेशन की समस्याएं भी पैदा होती हैं। रेगुलर सेक्स कई तरीके से स्ट्रेस बर्स्टिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे शरीर का मानसिक संतुलन बना रहता है। सेक्स की कमी के चलते बॉडी में टॉक्सिक फ्लूइड्स इकट्ठा हो सकते हैं, और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी आ सकती हैं, जो आपको और ज्यादा आक्रामक और चिड़चिड़ापन बना देगी। ये परेशानी सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। इसलिए जो लोग वायलेंट पेट्स नहीं चाहते, वो उनकी प्यूबर्टी से पहले ही डॉक्टर की मदद से उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को निष्क्रिय करवा देते हैं। हाई बीपी हमारे लिए उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसे मेडिटेशन से खत्म किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अपनाने वाले मंक्स को ऐसी परेशानियां ज्यादातर नहीं आती। क्या आपको पता है कि रेगुलर सेक्स आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है? साइकोलॉजिस्ट कार्ल चारनेस्की और फ्रांसिस ब्रैनन ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने दो तरह के लोगों का सलाइवा सैंपल लिया। एक तरफ वो लोग थे जो रेगुलर सेक्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और दूसरे ग्रुप में वो लोग जिन्होंने लंबे वक्त तक सेक्स नहीं किया था। इन दोनों ने पाया कि रेगुलर सेक्स करने वाले लोगों के सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा ज्यादा पाई गई। इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसा एंटीबॉडी कंपाउंड है जो शरीर को जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है। यानी रेगुलर सेक्स करने वाले लोग बाकी लोगों के मुकाबले कम बीमार पड़ते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि सेक्सुअल इंटीमेसी से आप ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया लोगों से एक्सचेंज करते हैं, जो आपकी बॉडी को इस तरह के अटैक्स के लिए पहले से एक्सपोज कर देता है, और आपका शरीर धीरे धीरे इसके लिए इम्यूनिटी बना लेता है। रेगुलर सेक्स आपके शरीर में ब्लड फ्लो को भी सही रखता है, जिससे आपका हार्ट अच्छी हालत में रहता है। सेक्स ना करने के फिजिकल नुकसानों के अलावा मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि सेक्स स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन लंबे वक्त तक इन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज ना होने पर आपके डिप्रेशन का शिकार होने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स का बॉडी में कम रिलीज होना आपके मूड पर असर डालता है, और आपको खुश रहने से भी रोकता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके ब्रेन को सेक्स की जरूरत है, लेकिन अगर उसे वो नहीं मिल रहा है तो वो आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। लंबे वक्त तक सेक्स ना करने वाले लोग स्किन हंगर या टच स्टारवेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप हर एक चीज के लिए अनमोटिवेटेड फील करेंगे। आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और आप खुद को ज्यादा आलसी पाएंगे। इसके कई कारण हैं। ना सिर्फ आपकी बॉडी को, लेकिन आपके ब्रेन को भी स्टिमुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और लंबे समय तक इंटीमेसी से दूर रहने के कारण ये प्रभाव पैदा होता है।
ऐसा भी मुमकिन है कि शायद आपको पता भी ना चले कि शरीर को किस चीज की जरूरत है और आप इस कंडीशन में सालों तक रह जाएं, जिस कारण आप अपने आसपास के लोगों से भी कटने लगते हैं और एक वक्त के बाद अकेले पड़ जाते हैं। रेगुलर सेक्स ना करना आपको आइसोलेटेड और इनसिक्योर फील करा सकता है और लगातार शरीर में हो रहे केमिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस आपको एक ऐसी कंफ्यूज स्टेट में लाकर खड़ा कर सकते हैं जिसमें आप रोजमर्रा के फैसले लेने से लेकर हाई इंटेंसिटी टास्क्स को करने में भी असफल हो सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स ना करना आपको सेक्स से दूर भी कर सकता है और धीरे धीरे आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंच सकते हैं जहां आप किसी से भी कोई कनेक्शन फील करना ही बंद कर दें और आपको अराउजल डिले का सामना करना पड़े। अराउजल डिले का एक कारण ये भी है कि आपके शरीर को लंबे समय से बॉडी में उस सेंसेशन और ब्लड फ्लो की आदत नहीं रह जाती जिसके लिए बॉडी को एडजस्ट करने में काफी वक्त लगता है। अब यहाँ पर एक जरूरी सवाल आता है कि कई बौद्ध भिक्षु, धर्मगुरु, पोप या ब्रह्मचर्य अपनाने वाले अन्य लोग भी कभी सेक्स नहीं करते, तो क्या उन सभी को भी ये परेशानियां हैं? तो जवाब है नहीं। हर एक इंसान का शरीर अलग होता है और इसी वजह से इसका असर लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, लेकिन इन लोगों पर सेक्स के ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इंसानी शरीर को इस तरह से ट्रेन किया जा सकता है कि वो सेक्स क्रेव ही ना करें और बाकी चीजों में अपनी मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन ढूंढे। स्पोर्ट्स या मेडिटेशन इसके दो मुख्य उदाहरण हैं, जो उसी अमाउंट में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, साथ ही ब्लड फ्लो को भी अच्छा रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी एसेक्सुअली पैदा होते हैं, यानी जिंदगी भर उन्हें कभी भी सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से एसेक्सुअलिटी को एक अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि सेक्स ना करने के कुछ फिजिकल और मेंटल नुकसान हैं जो आपकी जिंदगी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान बाकी कामों को करके नहीं निकाला जा सकता है। हर किसी का शरीर अलग होता है और हमें इसके लिए खुद के लाइफस्टाइल को एक बार अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की परेशानी आने पर आप चाहें तो एक डॉक्टर से भी इसके लिए मदद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।